हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम उड़ान सोशल साइंस वर्कबुक में हिस्ट्री का चैप्टर 4 करेंगे, छत्रपति शिवाजी एवं पेशवा। ये आपकी पुस्तक हमारा भारत 3 का पार्ट 4 है, जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी एवं पेशवा। स्टार्ट करते हैं कार्यपत्रक 1। पहला क्वेश्चन है, क्या आप उन राजाओं के नाम बता सकते हो जिन्होंने मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया? हमें उन राजाओं के नाम बताने हैं जिन्होंने मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया था। तो जिन राजाओं ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया वे हैं, सबसे पहले वीर शिवाजी, जिन्हें हम छत्रपति शिवाजी कहते हैं, महाराणा प्रताप, रानी दुर्गावती, राणा सांगा आदि। तो इन राजाओं के नाम जिन्होंने मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया है, वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, रानी दुर्गावती, राणा सांगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, उन शासकों के नाम बताओ जिन्होंने दक्षिण भारत में शासन किया था। तो राजा राज चोल एवं कृष्ण देव राय ने दक्षिण भारत में शासन किया था। राजा राज चोल एवं कृष्ण देव राय ने दक्षिण भारत में शासन किया था। तो दो नाम हैं, राजा राज चोल एवं कृष्ण देव राय। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी कौन थे? तो छत्रपति शिवाजी भोसले भारत के महान राजा तथा रणनीतिकार थे। छत्रपति शिवाजी भोसले भारत के महान राजा तथा रणनीतिकार थे। इन्होंने सन 1674 ईस्वी में मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। तो यहाँ पर हमने आपको छत्रपति शिवाजी के बारे में बताया, महान राजा, रणनीतिकार, मराठा साम्राज्य के संस्थापक 1674 में। अब चलते हैं कार्यपत्रक 2 पर। इसमें फर्स्ट है, शिवाजी के व्यक्तित्व पर उनकी माताजी जीजाबाई का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता था, वे कौन से गुण थे जिन्हें तुम अपना बनाना चाहोगे? तो हमें यहाँ पर शिवाजी के गुण लिखने हैं और उन्हें जो है हमें अपना बनाना है। तो वो गुण हैं बहादुरी, जिसको ब्रेवरी कहते हैं, दयालुता, काइंडनेस, विवेक, जो है हमारे जो है विवेक से, बुद्धि से काम लेना, बुद्धिमानी, इंटेलिजेंस, नेतृत्व, लीडरशिप की क्षमता या लीडरशिप कैपेसिटी आदि वे गुण थे जिन्हें हम अपनाना चाहेंगे। तो बहादुरी एक आ गया, दयालुता, विवेक, बुद्धिमानी और नेतृत्व की क्षमता। आप अपने और भी लिख सकते हैं। अगला है, अष्ट प्रधान परिषद क्या थी और ये क्यों महत्वपूर्ण थी? तो शिवाजी के प्रशासन में शिवाजी की सहायता तथा परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की परिषद अष्ट प्रधान कहलाती थी। तो शिवाजी के जो प्रशासन था उसमें शिवाजी की सहायता और परामर्श करने के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी और उसे अष्ट प्रधान कहा जाता था। यह महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि यह शिवाजी के सलाहकार होने की वजह से इनसे सलाह लेकर ही अपने राज्य संबंधित सार जो है निर्णय लेते थे। शिवाजी के प्रशासन में शिवाजी की सहायता तथा परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की परिषद अष्ट प्रधान कहलाती थी। यह महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि यह शिवाजी के सलाहकार होने की वजह से इनसे सलाह लेकर ही अपने राज्य संबंधित सार निर्णय लेते थे। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो ही गया होगा कि जो ये अष्ट प्रधान जो है परिषद थी ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी क्योंकि ये राज्य संबंधित जो है निर्णय जो है शिवाजी इनसे ही लिया करते थे। तो क्लियर है कि ये इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह शिवाजी के सलाहकार होने की वजह से इनसे सलाह लेकर ही अपने राज्य संबंधित सार निर्णय लेते थे। तो इसलिए ये अष्ट प्रधान परिषद काफ़ी महत्वपूर्ण थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन 3 पर। अपने सहपाठियों से छत्रपति शिवाजी की वीरता एवं बलिदान पर चर्चा करें तथा उनके योगदान को लिखें।
यहाँ मैंने आपको ब्रीफ में लिखा है, आप अपने टेक्स्ट बुक से इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। छत्रपति शिवाजी एक महान योद्धा एवं कूटनीतिज्ञ थे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि छत्रपति शिवाजी एक महान योद्धा थे और कूटनीतिज्ञ थे, जिसको कहते हैं डिप्लोमेट। उन्हें अदम्य साहस, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ब्रेवरी थी, बुद्धिमता, इंटेलिजेंस एवं कुशल शासन, एफिशिएंट जो रूल था उनका, के लिए याद किया जाता है। तो उन्हें अदम्य साहस, बुद्धिमता एवं कुशल शासन के लिए याद किया जाता है। वे एक धार्मिक, सहिष्णु एवं समर्पित हिंदू थे। तो ये उनकी जो है धार्मिक नीति थी कि शिवाजी जो हैं एक धार्मिक, सहिष्णु एवं समर्पित हिंदू थे, वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे। अब चलते हैं हम कार्यपत्रक 3 पर। पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, शिवाजी का किस मुगल शासक से सबसे लंबा संघर्ष चला? क्या बाबर, खै औरंगजेब, गै हुमायूं और गै जहांगीर? तो शिवाजी का जिस मुगल शासन से सबसे लंबा संघर्ष चला वो औरंगजेब थे। तो ऑप्शन खै औरंगजेब यहाँ पर राइट आंसर है। सेकंड है, शिवाजी ने अपने राज्य की राजधानी किसे बनाया? खै रायगढ़, खै सिंहगढ़, गै नासिक और गै अहमदनगर? तो शिवाजी ने अपने राज्य की राजधानी रायगढ़ को बनाया, गै ऑप्शन राइट है। थर्ड है, शिवाजी व जयसिंह के बीच कौन सी संधि हुई? गै जल संधि, खै सहायक संधि, गै पुरंदर संधि और गै मान? तो शिवाजी व जयसिंह के बीच जो संधि हुई थी उसका नाम था पुरंदर संधि, गै ऑप्शन पुरंदर राइट है। निम्नलिखित में से बेमेल छाटिए, कै पेशवा प्रधानमंत्री ये सही है, खै सुगंध विदेश मंत्री ये भी सही है, सुगंध, गै सर ए नौबत प्रमुख सेनापति ये भी सही है। तो कै पेशवा प्रधानमंत्री राइट है, खै सुगंध विदेश मंत्री राइट है, गै सर ए नौबत प्रमुख सेनापति राइट है, गै है अमात्य धार्मिक मामले, ये बेमेल है तो इसलिए मैंने सर्कल किया हुआ है इसको। यहाँ पर आना चाहिए था विदेश मंत्री, तो अमात्य जो है वो विदेश मंत्री है, तो ये जो बेमेल है वो एक ही है, गै अमात्य, जहाँ धार्मिक मामले लिखा हुआ है उसकी जगह आना चाहिए विदेश मंत्री। तो मैंने जो है अमात्य धार्मिक मामले को सर्कल किया हुआ है, क्योंकि हमसे यही कहा गया है कि बेमेल को छांटिए। अब है थर्ड, सही ऑब्लिक गलत बताइए, कि शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास थे, सही या गलत? ये सही है, शिवाजी के गुरु जो थे वो समर्थ रामदास ही थे। खै है, शिवाजी ने जयसिंह को पत्र लिखकर औरंगजेब के विरुद्ध संघर्ष करने का आह्वान किया। तो आपने पत्र पढ़ा था टेक्स्ट बुक में, तो उसमें ये बिल्कुल लिखा हुआ है, औरंगजेब के विरुद्ध संघर्ष करने का आह्वान, ये भी सही है आपका। अगला है, पेशवाओं के उत्थान का प्रमुख कारण औरंगजेब की नीतियाँ थी, ये भी सही है। और बाजीराव प्रथम ने हिंदू बादशाही का आदर्श रखा, ये भी सही है। अब चलते हैं कार्यपत्रक 4 पर। कार्यपत्रक 4 जो है, नीचे दी गई घटनाओं को क्रमबद्ध कीजिए। तो यहाँ हमें दिया हुआ है शिवाजी राज्याभिषेक, पानीपत की लड़ाई, तोरण दुर्ग, पुरंदर संधि, मराठा मैग्ना कार्टा, जिसे हम मराठा मुगल संधि भी कहते हैं। तो आपको अब इनको क्या करना है, सीक्वेंस में लिखना है, क्रमबद्ध करना है। तो सबसे पहले आएगा तोरण दुर्ग 1646, मैंने लिखा हुआ है तोरण दुर्ग के ऊपर। फिर सेकंड है पुरंदर संधि, इस पे मैंने 1665 लिखा हुआ है। थर्ड है शिवाजी राज्य अभिषेक 1674। फोर्थ है मराठा मैग्ना कार्टा यानी मराठा मुगल संधि 1719। और फिफ्थ है पानीपत की लड़ाई 1761। तो मैंने डेट भी लिख रखे हैं।
तो उस डेट के हिसाब से अब हम इनको सीक्वेंस में लिखेंगे। सबसे पहले आएगा तोरण दुर्ग, क्योंकि 1646 सबसे पहले आएगा। फिर सेकंड पे है पुरंदर संधि 1665, तो पुरंदर संधि सेकंड पे। थर्ड शिवाजी राज्य अभिषेक 1674। फोर्थ मराठा मैग्ना कार्टा जो है 1719। और फिफ्थ जो है पानीपत की लड़ाई 1761। तो यहाँ मैंने करेक्ट इनका क्रमबद्ध लिख रखा है। अब चलते हैं कार्यपत्रक पाँच पर। अपने साथियों से चर्चा करें और लिखें कि मराठों के उत्कर्ष के क्या कारण थे। पहला है महाराष्ट्र की भौगोलिक विशेषताएं एवं बनावट, महाराष्ट्र की जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं और जो उसका स्ट्रक्चर है। सेकंड है सामाजिक संतुलन यानी सोशल बैलेंस। थर्ड है मराठों का निजी सम्मान, जो मराठों का जो है निजी सम्मान था, उनकी रिस्पेक्ट थी, उनका जो पर्सनल रिस्पेक्ट जिसको हम कह सकते हैं। फिर है भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट। फिर है फिफ्थ दक्षिण के राज्यों में हिंदू मराठा प्रभाव, जो दक्षिण के राज्य थे उनमें हिंदू मराठा प्रभाव था। सिक्स्थ है मराठी भाषा तथा साहित्य यानी मराठी लैंग्वेज और लिटरेचर। सेवन्थ है मुगलों की दक्षिण नीति, मुगलों की जो साउथ पॉलिसी थी। फिर एट्थ पर है शिवाजी का कुशल नेतृत्व एवं व्यक्तित्व। नाइन्थ पे है कुशल सैनिक। और टेंथ पे है युद्ध कला और प्रशासन में प्रशिक्षण। तो आप और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं। तो ये मराठों के उत्कर्ष के कारण थे। तो स्टूडेंट्स, यहीं पर हमारा चैप्टर 4 छत्रपति शिवाजी एवं पेशवा समाप्त होता है।